खबर नसरुल्लागंज से है, जहां कृषि क्षेत्र में दवाई स्प्रे के लिए भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करने जा रहा है ड्रोन की एंट्री, जिसको लेकर क्षेत्र के ग्राम मंडी व चींच में केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्था बुधनी द्वारा गरुण एरोस्पेस के कृषि ड्रोन छिड़काव का प्रदर्शन तहसील के दो ग्रामों में किसानों के सामने किया गया और ड्रोन की तकनीकी जानकारी किसानों से साझा की गई। संस्थान की तरफ से पुनीत कायकर ने किसानों को बताया कि कृषि के कार्य में ड्रोन बहुत ही उपयोगी है। भारत सरकार द्वारा ड्रोन खरीदने पर 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी, वहीं कंपनी द्वारा ड्रोन को चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ड्रोन के उपयोग से मजदूर, दवाई व पानी की भी बचत होगी। वहीं इस अवसर पर संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम के आयोजक सोनू पवार, किसान उत्पादक संस्था कल्पवल्ली, ग्रीन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि सहित ग्राम के जागरूक किसान व कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। नसरुल्लागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। ये ड्रोन है, इस ड्रोन के सहारे हम किसी भी हमारी फसल पर दवाई छिड़क सकते हैं। दवाई छिड़कने के लिए अभी इसमें जो कैपेसिटी है, इसका टोटल वेट दवाई के साथ अगर करेंगे, पानी के साथ करेंगे, तो 25 kg आता है, जो कि ड्रोन का उसमें नियर अबाउट 15 kg है और 10 kg अपनी वाटर टैंक का कैपेसिटी है उसकी। तो 10 लीटर में आप नियर अबाउट 1 acre आप 10 मिनट में स्प्रे कर सकते हो। इसकी जो बैटरी है, बैटरी आपकी अगर बिना पानी के आप ड्रोन को चलाओगे जस्ट मैपिंग के लिए, तो 20 मिनट तक आराम से चल सकती है, और आप पानी के साथ मतलब दवाई और पानी है तो आपका 10 मिनट तक का 1 acre कवर कर लेगा। इसके साथ कितनी बैटरी आती है सर? सर अभी इसमें जो लगेगी 2 बैटरी लगेगी और इसके साथ स्पेयर में आपको 2 बैटरी और आएंगी। अभी जो सरकार द्वारा कुछ किसानों के लिए इसमें राहत दी जा रही है? हाँ, सरकार द्वारा राहत दी जा रही है, 50% तक आपको इसमें राहत दी।